अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज संडे का दिन था और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से मैं आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई, कोई रेमेडी भी शेयर नहीं कर पाई। सो आई थॉट के जो कुछ मैं आज दिन में कर रही हूँ, किचन में क्या कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं वाइट पास्ता बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और अब चलते हैं कि मैंने इस वाइट पास्ता कैसे घर पर बनाया है, और टाइम भी काफ़ी हो गया, तो जल्दी से अब इसको बना लेते हैं। पास्ता की जो है ना, यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है क्योंकि टाइम बहुत कम है। यहाँ पर मैंने चीज़ ले लिया है और चिकन जो है ना मैंने मैरिनेट करके रख दी है। इसमें तकरीबन 3 से 4 स्पून मैंने इसमें सोया सॉस के ऐड किए हैं। उसके बाद यहाँ पर शिमला मिर्च बड़े साइज़ की मैंने ली है और उसको भी मैंने इस ऐसे स्लाइसेस में काट लिया है। और यहाँ पे गाजर भी, 2 गाजर मैंने यहाँ पे लिए है और इसको भी ऐसे लंबे लंबे स्लाइसेस ऐसे काट के रख दिए हैं। और साथ में हरी मिर्ची भी मैं इसमें ऐड करूँगी, और चॉप ऑनियन है, उसके बाद ब्लैक पेपर है, और यहाँ पर गार्लिक का और जिंजर का पेस्ट भी मैंने बना के रख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना तकरीबन 1 चम्मच बड़ा फुल भर के मैंने बटर का लिया है। अब हम इसमें अनियन अपने चॉप किए हुए ऐड कर लेंगे। तो इसमें जो है ना मैंने अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है ना वो इसमें ऐड कर दिया है, और वो वीडियो जो है ना मुझसे डिलीट हो गई है। तो इन दोनों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्का सा। ये मैंने इनको फ्राई किया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और ये इसके अंदर ऐड करके इसको हम फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए। दो से तीन मिनट तकरीबन मैंने चिकन को फ्राई किया है, और इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 चम्मच के जितना। और इसको घर पे मैंने ग्राइंड किया हुआ मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि उसकी खुशबू बहुत कम होती है, तो इसलिए ग्राइंड कर लिया करें ब्लैक पेपर को, काली मिर्ची को। उसके बाद यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया। कुटी हुई लाल मिर्च इसलिए ऐड किए क्योंकि इसका जो है ना कलर नहीं होता, और क्योंकि हम वाइट पास्ता बना रहे हैं तो इस वजह से हमने लाल मिर्ची जो पाउडर वाली होती है वो ऐड नहीं करनी। इसके बाद जो कटी हुई हमारी वेजिटेबल्स थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद 1/2 स्पून के जितना या 1 स्पून के जितना हमने इसमें शुगर का ऐड करना है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और दूसरा जो है ना हमारी जो वेजिटेबल्स है ना उनका टेस्ट नहीं ना सॉरी उनका जो कलर है होता है ना वो चेंज नहीं होता। इसके बाद सोया सॉस का तकरीबन मैंने 3 स्पून ऐड किए हैं, और इसके बाद चिली गार्लिक सॉस के मैंने 2 स्पून ऐड किए हैं, और 1 चम्मच मैंने ऐड किया इसमें सॉल्ट का। अच्छा, इसमें जो हमारा चिकन था और जो इसमें मैंने वेजिटेबल डाली थी वो सारी हमने फ्राई कर ली हैं, और अब चलते हैं वाइट सॉस तैयार करते हैं कि वो कैसे बनता है। सॉस तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है बटर का, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ही हमने वाइट सॉस तैयार करना है। और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें मैंने 1 स्पून के जितना ऐड किया है मैदा, और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1/2 स्पून मैंने इसमें थोड़ा और ऐड किया है। और पास्ता मैंने पहले ही बॉयल करके रख दिया है, तकरीबन जो सबसे बड़ा पैकेट होता है ना वो मैंने इसमें ऐड किया। अच्छा, इसके बाद जो है ना दूध हम थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे, 1 कप के जितना मैंने इसमें दूध ऐड किया है, और इस तरीके से ताकि गुठलियाँ ना बने, इस वजह से थोड़ा थोड़ा हमने दूध करके डालना है, एकदम से सारा दूध नहीं डालना। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 1/2 स्पून ब्लैक पेपर का, और इसके अलावा जो चैडर चीज़ मैंने ग्रेड कर ली थी वो इसमें मैं ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो है ना मैंने 1/2 स्पून जो है ना इसमें नमक भी ऐड किया था, तो इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और हल्की आंच पे इसको भी हमने पका लेना है। अच्छा, 1 से 2 मिनट में ही ये बन जाता है, तकरीबन 3 मिनट टोटल इसको लगे हैं वाइट सॉस को बनने में। और इसमें हमने मिक्स कर लेना है अपने चिकन में, और जो हमने पास्ता बॉयल करके रखा था वो अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से, और बहुत ही अच्छा बना था। इसमें अब ऑर्गेनो ऐड करेंगे खुशबू के लिए, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जाके पहले इसको ख़रीदो, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर देना। अच्छा, तो अब जो है ना पास्ता हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत यमी लग रहा है। यहाँ पे हमारा पास्ता बन चुका है, और अब आप किचन की हालत देख सकते हैं कि मैं कितनी थक चुकी हूँ, और अब किचन को भी साफ़ करना है, तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। पहले चलते हैं, खाना खाते हैं और बच्चों को भी देते हैं, टेस्ट कराते हैं कि कैसा बना है, उसके बाद किचन की सफाई करेंगे, और फिर अभी चाय भी बनानी है, वापस आके फिर चाय बनाते हैं। मुस्तफ़ा, खाना तैयार हो गया।
खा के देखो, टेस्ट करो और फिर मम्मा को बताओ कैसा बना है। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना। अच्छा है? अच्छा, मम्मा ज़्यादा अच्छा बनाती हैं पापा, दोनों। दोनों। ये लो पानी। मैं एक बाइट खा रहा हूँ और पूरा का पूरा ग्लास पानी का पी रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप खाना वाना सब खा चुके हैं, आप किचन की हालत आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने जो पास्ता बनाया था और जो बचा हुआ है इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी हस्बैंड ने भी खाना है और कज़न आएगी, उसके लिए भी मैंने साथ में बनाया था। तो अभी हम फ्रिज में इसको रख देंगे कुछ देर तक, जैसे वो आएंगे तब मैं उनको ये सर्व करूँगी, तब मैं उनको ये दे दूँगी। और अब जो है ना, किचन की सफ़ाई शुरू करते हैं। जैसे ही किचन की सफ़ाई शुरू हो या फिर मैं किचन में कोई भी काम कर रही होती हूँ तो आयत सबसे पहले हर काम में होती है। अब यहाँ पर देखिए, इसको शुगर भी चाहिए तो इसको थोड़ी सी मैं चीनी यहाँ पर दे देती हूँ ताकि मुझे काम करने दे, वरना बिल्कुल भी नहीं करने देती। और यहाँ पर जितनी भी सारी प्लेट्स थी जो गंदी हो गई हैं खाने के बाद, वो सारी मैं अभी सिंक में डालना स्टार्ट कर दूँगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं काउंटर नीट कर लेती हूँ, और जो बर्तन हैं जो साफ़ धुले हुए हैं उन सबको मैं कैबिनेट में रखना स्टार्ट कर दूंगी। और उसके बाद आयत फिर से वापस आ गई है, उसको मैंने ऊपर बिठा दिया है। बहुत तंग करती है, जब भी मैं किचन में होती हूँ जब तक मैं यहाँ से फ्री नहीं होती ये मेरे सामने खड़ी रहती है, खड़ी रहती है मुझे पकड़ के जल्दी रूम में चलें बस। और इसको इसलिए मैंने ऊपर बिठा दिया ताकि ये यहाँ पर बैठी रहे, और हमेशा ये ऐसे ही करती है मेरे साथ। तो मैं इसको यही करती हूँ कि थोड़ी देर ऊपर बिठा देती हूँ और यहाँ से फिर ये नीचे नहीं उतर सकती, इस वजह से मैं साथ साथ किचन का काम करना शुरू हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने जो है ना, जो भी बर्तन वगैरह थे, जो भी सब फैला हुआ था ना, सब कुछ मैंने हटा लिया वहाँ से। और अब जो है ना, वाइप्स लेकर पूरे काउंटर और ये सारे स्लिप जो है ना, मैं सब अच्छे तरीके से नीट कर लूँगी वाइप से। बहुत ही इजीली वैसे साफ़ हो जाता है। और जब मैंने किचन में काम करना शुरू किया था तब किचन बिल्कुल नीट था। बच्चे बार बार बीच में मुझे तंग करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कभी ये चीज़ उठा रहे हैं कभी क्या, तो जाहिर सी बात है किचन जो है ना, खाना बनाने के बाद जो है ऐसे हो जाता है। तो फिर उसके बाद खाना जैसे ही खा लेती हूँ और बच्चे भी खा लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो एंड में किचन भी साथ में मैं नीट कर लेती हूँ। और अब मैंने चाय वहाँ पर रख दी है, चाय चढ़ा दी है। चाय पीने का बहुत दिल करता है रात को, जब भी खाना बनता है खाने के बाद बहुत दिल करता है चाय पीने का, तो वहाँ पे मैंने चाय रख दी है। और अब रहता था काउंटर, काउंटर भी नीट हो गया है, वाइप्स लगा लिए मैंने। और अब साथ साथ मैं चाय को भी देख रही हूँ, और आयत भी बहुत तंग कर रही है, इधर से आयत को देखना पड़ जाता है कि ये कहीं गिर ना जाए। और इसको बिस्किट दे रही हूँ लेकिन ये देखें कि बिस्किट नहीं ले रही, और इसको ना ऐसे बॉक्स चाहिए, ऐसे खोलना है इसको, इसमें से चीज़ें निकालनी है और बस फैलाएगी इसको, तो बहुत ज़्यादा ऐसे ना लाड में आई हुई है। तो इस वजह आयत, से मामा, आयत यहाँ सामने देखो। ओ, चाय गई 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 चाय। देखा आयत, आपके चक्कर में अब हमारी चाय भी जा रही थी। ये देखें आयत, आयत सामने देखो, यहाँ देखो कैमरा में देखो, आयत आयत देखो सामने कैमरा में। तो ये इस तरीके से किचन में जब भी मैं काम करने आती हूँ मेरे साथ होती है। तो थकावट अभी बहुत हो रही थी, और हमेशा रात के खाने के बाद जो है ना हम चाय ज़रूर पीते हैं। और अभी जो है ना काम घर किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है, खाना वाना बच्चों ने भी सबने खा लिया है, तो अब हमारी चाय का टाइम हो रहा है। चाय यहाँ पे बन रही है, और जैसे ही चाय बन जाएगी अब हम चलेंगे अपने रूम में और सुकून से बैठ के चाय पियेंगे। और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो मैं ज़रूर, जो मैं दिन में करती रहती हूँ वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। रात को किस किस को जो है ना रात को चाय पीना अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है कि मैं जब भी घर के काम वाम करके फारिग होती हूँ और नाइट का जो रात खाना होता है ना, खाने के बाद चाय बहुत अच्छी लगती है चाय पीना। और इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये होता है कि आजकल जो है ना शो चल रहा है, तो मैं जो रियलिटी शो होते हैं वो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। तो अब देखते हैं कि आजकल रियलिटी शो कौन सा चल रहा है, जल्दी से गेस कर ले, और चाय लेकर अंदर रूम में चलते हैं और फिर शो भी देखेंगे साथ में। यहाँ पे जो है ना मुझे पत्ती कम लग रही है चाय में, तो मैं तकरीबन
हाफ स्पून इसका और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे तेज़ पत्ती वाली ना चाय बहुत अच्छी लगती है। और इसमें जो है ना इलायची एक मैं तोड़ के वो भी डाल दूँगी खुशबू के लिए। किट यहाँ पे मैंने दो उठाए थे और एक फिर मैंने वापस रख दिया, क्योंकि बच्चों के साथ फिर मुझे भी साथ में खाना पड़ जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पर बच्चों को रात को मैं चाय वैसे देनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या है कि जब भी मैं चाय बनाती हूँ तो वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत तंग करते हैं। साहिर सी बात है, बच्चे हैं तो उनका भी दिल करता है साथ में चाय और बिस्किट लेने का, तो मैं उनको थोड़ी थोड़ी सी ना चाय रात में देती हूँ खाने के बाद भी। और जो है ना उससे बच्चे बहुत शौक से साथ में बिस्किट वगैरह जो भी साथ में उनको देती हूँ तो वो आराम से जो है ना खा लेते हैं। तो अब मैं चाय पीने लगी हूँ, बहुत मज़े की बहुत अच्छी चाय बनी थी और साथ में मैंने भी एक बिस्किट ले लिया, इसी वजह से मैंने बिस्किट जो है ना एक वापस रख लिया था, क्योंकि बच्चों के साथ फिर मैं भी साथ में शुरू हो जाती हूँ और अभी खाना भी खाया हुआ है तो अभी और मुझे मीठा नहीं खाना था ज़्यादा। अच्छा, इसके बाद अब मैं शो देखती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ। वीकेंड के वीकेंड आता है ख़तरों के खिलाड़ी और अभी इसका न्यू सीज़न चल रहा है, सीज़न 11, और इसको सर्च कर रहे थे कब से, और इसकी जो न्यू वाला एपिसोड है ना जो आज आना था वो संडे को, वो अभी तक नहीं आया। तो बस फिर कुछ नहीं, चाय वाय पी ली और वापस आकर किचन में बर्तन भी रख दिए और किचन पूरा आप देख सकते हो कि पूरा नीट एंड क्लीन है। बस अब ये चाय वाले बर्तन रह चुके हैं, अब जो है ना मैं आराम से इनको वॉश करूँगी। आयत भी देखें, बर्तन रखने आई हूँ तो तब भी मेरे पीछे पीछे पीछे, अब इसको बाय करने का बोल रही हूँ और ये नीचे छुप रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बस यही मेरी रूटीन थी जो कि मैंने शाम में खाना थोड़ा सा बनाया और आपके साथ शेयर किया। अच्छी लगे तो लाजिम लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।